नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी स्थित शमशान घाट के समीप, और यह शमशान घाट के समीप का छारन है। और यह जो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये 14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती है, जिसको लेकर जो कलाकार हैं भागलपुर के अनिल कुमार, वह बालू से उनकी कलाकृति उकेर रहे हैं, बालू पर कलाकृति उकेर रहे हैं, उनके चित्र को बना रहे हैं। और हम ये सीधी तस्वीर आपको भागलपुर के बराड़ी शमशान घाट स्थित छारन से दिखा रहे हैं। गंगा नदी का तट है यह, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कलाकार हैं अनिल कुमार के नेतृत्व में, यहाँ जो बाबा भीमराव अंबेडकर की कलाकृति है उसको अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, जो लगातार जो महापुरुष की जयंती होती है तो, या फिर उनका जो पुण्यतिथि होता है तो उस दौरान हुए, इसी तरह बालू पर उनकी कलाकृति बनाते हैं। अनिल जी, कब से आप ये इस तरह का कलाकृति बना रहे हैं? ये करीब 10 साल से यही सेनाट कर रहे हैं, कभी उछाड़न पे, कभी इधर। और हर महापुरुष के जयंती पर हम हमारे सारे शिष्यगण लोग मिल करके उसको श्रद्धांजलि देते रहते हैं बनाकर। श्रद्धांजलि देने का यह अनोखा तरीका अनिल कुमार जी का है। अनिल जी, अब तक यदि बात करें तो किन किन महापुरुषों की कलाकृति को, सेंड आर्ट को आप भागलपुर में उकेर चुके हैं अब तक? अभी तक मैं अंबेडकर जी तो आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और महिला उत्पीड़न पे, जैसे कोई भी महिला उत्पीड़न समाज में ऐसा कोई अत्याचार होता है महिलाओं के साथ, उससे भी रिलेटिव हम सेंड आर्ट में आदमियों को समझाने के लिए कलाकृति करते रहते हैं। तो जो मानवीय पहलू है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो ज़रूरत होता है समाज के लिए। अच्छा अनिल जी, यह बताइए कि आज तक सरकार के द्वारा आपको इस सेंड आर्ट को लेकर कुछ प्रोत्साहन मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं, जो भी कर रहे हैं अपना ही कर रहे हैं, और आगे भी अगर कोई प्रोत्साहन मिले तो हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे। और बच्चों के प्रति जो मेरी प्रेम है, भावना है, वो हमेशा बना रहेगा। सेंड आर्ट के कलाकार हैं, लेकिन आज तक ना जिला प्रशासन ना ही राज्य सरकार के द्वारा इनको कोई प्रोत्साहन मिला है। अनिल जी, यदि बात करें यहाँ अभी सेंड आर्ट के कितने कलाकार होंगे भागलपुर ज़िले की बात? अभी तो भागलपुर ज़िले में एक हम ही है, अभी तक तो देखे नहीं है किसी को बनाते हुए, और अगर भविष्य में कोई अगर बनाए तो मेरा ही कोई शिष्य ही होगा। तो अभी आपके अंदर मतलब कितने शिष्य हैं आपके भागलपुर ज़िले में जो इस कला को सीख रहे हैं? करीब 30 से 35 होगा, जो कि इस कला को ही नहीं और सब भी, इस कल्चर है, पेंटिंग है और क्राफ्ट है, ये सब सारे चीज़ को मेरे पास आकर के सीखते रहते हैं और बाहर भी जाते रहते हैं, जैसे शांति निकेतन, जैसे जामिया, ये सब में बच्चा लोग मेरा मेरे पास तैयारी करके वो लोग अपना परचम लहरा रहे हैं बाहर में जा कर के। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं, भागलपुर में जो ये कला धीरे धीरे थोड़ा सा धूमिल होते जा रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह भागलपुर के सेंड आर्टिस्ट अनिल कुमार थे, जिनका साफ कहना है कि यदि सरकार और जिला प्रशासन सेंड आर्ट को बढ़ावा देने को लेकर काम करे तो यह जो आर्ट है वह पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़ भागलपुर।